हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सैंडी। आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्क्रीन लॉक एप्लीकेशन लेके आया हूँ जिसका पासवर्ड गेस करना बहुत ही मुश्किल है और उसे ब्रेक करना भी बहुत ही मुश्किल है। मेरे हिसाब से आपकी फ्रेंड्स के लिए तो बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब आपका कोई फ्रेंड एक बार आपका पासवर्ड देख लेता है तो उसे फिर ओपन करने की कोशिश करता है लेकिन ये जो एप्लीकेशन है इसमें अगर आपके फ्रेंड ने वो पासवर्ड देख भी लिया है तब भी उसे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए वो एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्रीन लॉक टाइम पासवर्ड। ये देख लीजिए सबसे ऊपर है, जो आपने इसका आइकन ध्यान से देख लेना और आपने यही डाउनलोड करना है। देख लीजिए हम इसको खोलते हैं और हम इसे इंस्टॉल करते हैं। 5.8 MB का है, कुछ ज़्यादा इसमें हैवी एप्लीकेशन भी नहीं है, बहुत ही ईजी है। एक बार डाउनलोड हो जाता है फिर इंस्टॉल करते हैं। देखिए हमारा ये इंस्टॉल हो गया। अभी जब ओपन करते हैं देखिए, जैसे ही हमने इसे फर्स्ट टाइम ओपन किया है यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रही हैं। देखिए करंट टाइम पिन ओनली और पिन पर्सन। करंट टाइम का मतलब क्या है कि जो हमारा टाइम है हमारा वही पासवर्ड रहेगा, और फिर पिन ओनली जो आप सिर्फ एक पिन लगाना चाहते हैं नॉर्मली जो हम होता है हमारा, इसमें पिन और टाइम दोनों है। अगर आप पिन भी लगा सकते हो टाइम भी लगा सकते हैं। पहले करंट टाइम में जाएंगे। करंट टाइम के अंदर इसमें दो ऑप्शन है, एक है प्री सेट और एक है पोस्ट सेट। प्री सेट का मतलब देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी मेरा टाइम है 11:28 यानी कि 1:12। अब इसमें से क्या है, प्री सेट का मतलब कि जितने मिनट आप कम करना चाहते हो वो, जैसे 11:28 में से मान लीजिए 2 मिनट कम कर लेते हैं तो हमारा पासवर्ड हो जाएगा 1:12। प्री सेट में अगर प्री सेट में करते हैं। पोस्ट सेट में क्या होता है कि वही 2 मिनट बढ़ जाएंगे, जैसे अगर 11:28 का टाइम है तो वो 2 मिनट उसमें जोड़ेंगे तो 11:30 हो जाएगा, तो 1:30 मेरा पासवर्ड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एड मिनट पोस्ट सेट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपने कितने मिनट लेने हैं, कितने मिनट पोस्ट सेट करना है, कितने मिनट का, जैसे 2 मिनट 4, 6, 8 ये आपकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ पे 2 मिनट सेट कर लेता हूँ। जब यहाँ पे अब जैसे कि अब मेरा टाइम हो गया 11:29, अब मेरा पासवर्ड होगा जब मैं इसे अनलॉक करूँगा तो 11:31 होगा। तो यहाँ पे ये मुझे पूछा है कि हम इसे रिवर्स करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। जैसे 11:31 होगा तो बाद हम इसे उल्टा लिखना पड़ेगा, लेकिन वो मैं यहाँ पर सच नहीं कर रहा हूँ इसलिए यहाँ से बैक कर लेता हूँ। ठीक है, जब आपने ये पासवर्ड लगाया उसके लिए आपको पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर बाई चांस अगर आप पासवर्ड आपसे नहीं खुल रहा या किसी भी वजह से आप कोई भी भूल गए हो तो आप एक किस्में से सिक्योरिटी क्वेश्चन ले लीजिए। तो सबसे मैं तो सबसे पहले वाला ले रहा हूँ, कोई भी आप रख सकते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन जो भी आपको अच्छा लगता है। ओके, तो ये अब लग गया, चलिए हम इसे बैक करते हैं। ठीक, अब जैसे ही आप स्क्रीन को आप अनलॉक करने के लिए जैसे आप अपनी स्क्रीन को लॉक करेंगे और जब अनलॉक करेंगे तो वहाँ पे आप ऐसा ये आएगा। अब मैंने अब 2 मिनट पोस्ट सेट किया था, देखिए अब मेरे यहाँ पे टाइम शो कर रहा है 11:30, यानी कि अब मेरा पासवर्ड हो जाएगा 2 मिनट ज़्यादा यानी कि 11:32। देखिए अब मैं 11:32 डालता हूँ, 11:32, ये देखिए अनलॉक हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देखिए स्क्रीन लॉक पे क्लिक किया और 11, अब अगर जैसे कोई भी टाइम है, अगर मान लीजिए अब यहाँ पे 11:31 हो जाएगा तो हम 2 मिनट आगे वाला टाइम डालेंगे। जैसे अब 11:30 है, देखिए 11:32। इस पासवर्ड को गेस करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये टाइम के साथ नॉर्मली चेंज होता रहता है। ठीक है सर, ठीक है, ये एवरी मिनट ये आपका पासवर्ड चेंज होगा। ठीक है, और भी इसमें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए। थैंक यू।